हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुकिंग स्टूडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं शाही टुकड़ा रेसिपी। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मिल्क, शुगर, सैफरिन, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस मिल्क और क्रस्टलेस ब्रेड। तो सबसे पहले हम रबड़ी के लिए एक पैन में 1 कप मिल्क ले लेंगे। ये 500 ml मिल्क है और एक बार बॉयल आ जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 100 ml कंडेंस मिल्क। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा दूध थिक हो जाए तो हम इसके अंदर डालेंगे हमारे नट्स। नट्स के लिए मैंने लिया है आलमंड, कैश्यू, रेसिन और पिस्ताचोस। आप इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते रहिए ताकि कहीं पर भी दूध चिपके नहीं। आपका दूध जैसे ही थिक होने लगे तो अब इसमें डाल दीजिए सैफरिन। आप 2-3 स्ट्रैंड्स डाल सकते हैं और वो इनफ है। अब आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और इलायची पाउडर कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो आपकी रबड़ी रेडी है, हम इसे साइड में रख देंगे। अब आते हैं ब्रेड पर। ब्रेड को आपको इस तरह से 2 पार्ट्स में कट करना है और शाही टुकड़े बनाने के लिए आपको ओरिजिनली ब्रेड को घी में डीप फ्राई या शैलो फ्राई करना रहता है। अगर आपको सिंपली टोस्ट करना है तो ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा घी लगा दीजिए और इसे दोनों साइड इस तरह से कुक होने दीजिए। अब हम बनाते हैं ओरिजिनल ब्रेड्स। तो अब एक पैन में हम घी लेंगे और ब्रेड को डीप फ्राई करेंगे। आपको ब्रेड को दोनों साइड बहुत अच्छी तरह से पकने देना है। अगर आप ब्रेड को बहुत कम पकने देंगे तो आपका ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका ब्रेड इस तरह से डार्क ब्राउन होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं चाशनी बनाने के लिए। चाशनी के लिए हमें चाहिए 1/2 कप शुगर और 1 कप वाटर। सबसे पहले हमें शुगर मेल्ट कर देना है पानी में और इसे कंटिन्यूसली आप मिक्स कीजिए तो आपकी शुगर मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाए उसके बाद इसके अंदर डाल दीजिए केसर और इलायची पाउडर। आप इसको मिक्स करते रहिए और आप जैसे ही केसर डालेंगे आपको इंस्टेंटली आपके सिरप का, आपकी चाशनी का कलर चेंज होते हुए दिखेगा। जैसे ही आपको ये एकदम अच्छा सा येलो कलर दिखे आप चाशनी को साइड में रख दीजिए। अब हम सारे एलिमेंट्स को असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेड को चाशनी में इस तरह से डुबा देंगे। आपको ब्रेड को चाशनी में ज़्यादा देर तक नहीं डुबा के रखना है, आपको बस 15 सेकेंड के लिए ही डुबा के रखना है। अब इसे साइड में रख दीजिए। आप चाहे तो इसे डायरेक्टली प्लेट में भी रख सकते हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेस मीठा नहीं पसंद, इसलिए हमने इसे टिश्यू पेपर में रखा है। चलते हैं प्लेटिंग की ओर। तो इस तरह से मैंने ब्रेड्स रख दिए हैं और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ अपनी रबड़ी। आप रबड़ी जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं और ट्रस्ट मी गाइस, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपने ये रेसिपी नहीं ट्राई की है तो मैं सच में बता रही हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।